हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और ये देखिए मैंने सोया चंक भी उसी कढ़ाई में डाल दिया है और बस मैं उसे भी थोड़ी देर भून लूँगी और भून के निकाल लूँगी। तो बस ये भी भून जा रहा है और उसके बाद तेल में थोड़ा सा मैं फ्राई कर दे रही हूँ। ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा ही। और बस ये फ्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं प्याज व्याज भून के सब्जी बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं थोड़ा धनिया पाउडर भी मिला ली हूँ इसमें। और बस ये देखिए ये मेरा नया फ़ोन का मतलब नया फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बताइएगा कि कैसा वीडियो है इसका। और बस ऐसे तो कुछ अलग नहीं लग रहा, उसी तरह लग रहा पहले की जैसा ही, लेकिन बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और ये देखिए थोड़ा कढ़ाई जल चुक थोड़ा काला काला हो गया है। और ये देखिए मैं प्याज भून रही हूँ और प्याज भी थोड़ा थोड़ा भुन ही गया है, तो मैं मसाले डाल दे रही हूँ। ये देखिए सारे मसाले हैं। और आज धनतेरस है, तो मतलब आज धनतेरस की अभी सुबह है। हम लोग पूजा वूजा सुबह में कर लिए, सब कोई पूजा वूजा हो गया है, तो बस चाय भी पी ली है, सब कुछ हो गया है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए सब्जी बना रही हूँ, तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ। तो हैप्पी धनतेरस आप लोग को, सबको मेरे पूरे परिवार के तरफ से हैप्पी धनतेरस। तो धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। और अभी धनतेरस में हम लोग मतलब कि कुछ ज़रूरत की सामान ही खरीदते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पाएंगे, तो ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें तो खरीद ही सकते हैं, तो बस वही खरीदेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये रहती है, तो ये आ गई है मेरे किचन के पास, तो इसका भी मैंने थोड़ा सा ले लिया था। यहीं पे रहती है ये, पास में ही, तो कभी कभी आ जाती है, तो इसलिए मैंने ले लिया है। और ये देखिए चना भी मैंने डाल के मसाले सब भून ले रही हूँ अच्छी तरह से। तो ये देखिए चना को मैं फ्राई अच्छे से कर रही हूँ और नमक भी इसी में डाल देती हूँ, चना अच्छे से मतलब वो थोड़ा सा सीज भी जाता है उसी में, तो ज़्यादा मतलब सिझाने का ज़्यादा ये नहीं होता है। और मैंने कुकर में अभी नहीं सिझाया है, इसी तरह मैंने मतलब ये नमक डाल दिया और इसे मैं अच्छी तरह भून लूँगी, तो ये हो जाता है, ज़्यादा कच्चा नहीं लगता है। और बस मैं सारे मसाले वसाले डाल के और भून ले रही हूँ जब तक, तो अच्छे से जब तक भून जाएगा, फिर इसी में मैं आलू भी मिला दूँगी और सोया चंक भी मिला दूँगी सब मिला के। देखिए मैं आलू भी डाल देती हूँ सारा और बस इसी में भून लूँगी और फिर सोया चंक्स डाल के सब मिला उला के इसी तरह से भून के और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डालूँगी, अभी क्रीम थोड़ा सा मिला ले रही हूँ पहले। और ये देखिए ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है और ये मतलब कि थोड़ा जुगाड़ू टाइप का सब्जी है, तो जुगाड़ तो लगाना ही पड़ता है कभी कभी, आप लोग भी लगाते होंगे तो बताइएगा। और ये देखिए मैं मतलब कि दिखा रही हूँ आप लोगों की सब्जी मतलब मेरा, और इस तरह के आलू चना का मैं बहुत दिनों के बाद ही सब्जी बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पानी भी डाल दिया है और बस मेरी सब्जी तैयार हो गई है। तो ये देखिए और कितनी टेस्टी दिख रही है, एकदम पूरा बहुत टेस्टी भी था बहुत ज़्यादा। और बस ये देखिए सब्जी को मैं अभी मतलब कि ढक के अभी थोड़ा रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं देखिए मेरी सब्जी नज़दीक से दिखा दे रही हूँ। और बस बताइए कि कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और ये देखिए मैं अभी तुरंत अभी मैं पराठे भी पका रही हूँ उसे। और बस ये देखिए मेरी सब्जी हो गई, तो मैं सब्जी को इधर ढक दी हूँ और पराठे बना ले रही हूँ। तो आलू चना की सब्जी के साथ पराठे अच्छा लगता है, तो बस पराठे बना ले रही हूँ। और मैं इसमें मतलब कि रखती हूँ तेल अलग से और इसमें इस तरह से ढाल के नहीं बनाती हूँ, तो थोड़ा आप लोगों को अजीब लगता होगा, लेकिन मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना स्टाइल है, तो बस क्या कर सकते हैं। और ये
पराठे बन रहे हैं। तो बस जब बच्चे लोग खाते हैं ना, तभी मैं गर्मा गर्म ही पराठे या रोटी सेकती हूँ, मतलब कि जब वो लोगों को भूख लगता है तभी। और बस अब मतलब कि धनतेरस आ गया है, और प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और लाइक करना भी भूल जाते हो, तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पराठे और आलू चना और सोया चंक्स की सब्जी के साथ। और घर की भी सफाई हो गई है, तो ये देखिए मेरा खिड़की में अभी तक मैंने पेपर नहीं साटा है, तो बस इसी तरह है, बाद में साट लूँगी थोड़े देर, मतलब अभी मेरे कोई जुगाड़ नहीं हुआ है इसलिए, तो अभी साट दूँगी बाद में, अभी ऐसे ही काम चला रही हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म पराठे, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो ये देखिए आलू चना सोया चंक्स की सब्जी है और पराठे हैं, आ जाइए गर्मा गर्म पराठे और ये खाने के लिए। तो बस मैं भी खाने जा रही हूँ, तो आप भी आ जाइए और पहले आप लोग खा लीजिए, उसके बाद ही मैं खाऊँगी। तो बस हम लोग का यही है, तो यहीं पे खाना पड़ता है, और बाहर में मतलब कि बरंडा है, तो बरंडा में अच्छा नहीं लगता, सब लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए यहीं पर हम लोग खाते हैं। तो ये लीजिए पहले आप लोग खा लीजिए पहला बाइट, फिर मैं खाऊँगी। और ये देखिए मेरा मिट्टू भी खा रहा है, तो ये लोग तो मतलब कि हम लोग का फेवरेट ही हैं। और ये देखिए रोटी यहाँ रखा हुआ है, जिसको लेना होगा वो लोग ले लेगा। तो बस मैं यहाँ पर रख दी हूँ और ये मैं भी खा ले रही हूँ, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो बस सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोग खाना मतलब खा ले रहे हैं। तो ये देखिए ये मतलब कि यहाँ पूजा के पास लाइट लगा हुआ था, तो वो भी मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। और लंच में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, तो ये जीरा राइस बनाया है और बस सब्जी बनाया है, तो आलू चना की सब्जी है वही सोया चंक्स वाला, और बस जीरा राइस है, तो सब्जी के साथ अच्छा लगता है, तो मैं बस वही मतलब कि खा ले रही हूँ। तो ये देखिए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म एकदम, देखिए एकदम खिला खिला चावल है एकदम अच्छा। और ये लीजिए, तो बताइएगा कि कैसा लग रहा है खाने में। तो बस, और प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं आपको मतलब कि धनतेरस में क्या मिला था, तो वो भी मैं दिखा दूँगी अभी, मतलब कि तो अगले दिन दिखा दूँगी। तो अभी अभी तो लंच का मज़ा लीजिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या ली हूँ। और बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, और मैं शॉपिंग पर नहीं गई थी, इसके पापा गए थे तो वही लाए हैं। तो ये देखिए ये शाम का टाइम हो गया है, तो ये देखिए लाइट लगा हुआ है, तो कैसा लग रहा है लाइट बताइएगा आप लोग। और बस छोटे से हम लोग का घर है छोटा सा, तो उसको मतलब थोड़ा सा हम लोग सजा दिए हैं। तो बस अब कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा आप लोग। ये देखिए लाइट्स हम लोग का लग चुका है, और अगल बगल में भी लग गया है, मतलब सब जगह लाइट लग गया है। और हम लोग एक तो पूजा के पास भी लगाए हैं, पूजा पास मिला तो थोड़ा सा बाद में भी दिखा देंगे, तो आप भी लाइट लगाएंगे। बस आप लोगों सबको पूरे मतलब यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, और दिवाली में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए दिवाली का मजा लीजिए, और घर की साफ सफाई भी हो जाती है, तो और भी अच्छा लगता है, घर की साफ सफाई भी हो गई। और फिर उसके बाद आप लोग को हाथ जोड़ के सबको हैप्पी धनतेरस की शुभकामनाएं। और बस ये देखिए कैसा लग रहा है लाइट, तो हम लोग ज़्यादा लाइट नहीं लगाए हैं, थोड़ा मोड़ा ही सजावट हुआ है। और बस धनतेरस में दिया और मतलब कुछ कुछ सजाने वाला सामान, और फिर वो रंगोली स्टिकर वाला, यही सब हम लोग लाए हैं, बहुत मतलब छोटे मोटे सब चीज़ें लाए हैं, और आप लोग को दिखा देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और मेरा नया फ़ोन भी आ गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, कि चाहे ही थोड़ा पैसा जमा करके ही लिए हैं, लेकिन फ़ोन तो आ गया है, इसलिए फ़ोन
के लिए। और अब मेरा वीडियो भी अब आएगा इसी तरह रेगुलर, शायद आ सकता है, लेकिन कुछ काम में फंस जाऊंगी तो शायद नहीं भी आ सकता है। तो ये देखिए मैंने पूरा दिखा दिया है, तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा घर, कैसा लग रहा है, मतलब ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो बस देखिए यहाँ पर का व्यू, और आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा धनतेरस की शुभकामनाएं हैं। और बस ये देखिए धनतेरस में क्या खुली हूँ, ये है 5 लीटर वाला, धनतेरस की यही शॉपिंग हुई है, दिया तो जरूरी है ना, इसलिए और भी बहुत सामान हुआ है।